किसके खेत बह रखे हैं, किसकी दीवार टूट रखी है, किसके घर के अंदर तक पानी आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रश्मि जोशी पिथौरागढ़ से, तो करते हैं फिर से नैनीन के साथ एक और नई ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस इनके टाइम से, खाना वगैरह हमारा हो गया है, दाल चावल वगैरह मैंने खा के ऊपर कमरे पे आ गई हूँ। और आज तो बहुत खतरनाक वाली बारिश आ रही है सभी जगह, आ रही होगी पिथौरागढ़ में, मतलब पूरे उत्तराखंड पे आज हाई अलर्ट पर रखा है, तो खतरनाक वाली बारिश है। कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना, जब तक मैं वीडियो डालूंगी तब तक शायद बारिश रुक भी जाएगी, बट आज बहुत खतरनाक वाली बारिश है। कल भी बारिश तो थी, लेकिन कल ऐसा हो रहा था बारिश आई थी रुक जा रही थी थोड़ी देर, बट आज तो बारिश बढ़ती जा रही है। और हमारे सामने वाला जो गाँव है खड़कीनी, वहाँ के जो 5-6 खेत है ना पूरे बह गए हैं, और वहाँ से पूरा पानी निकलते जा रहा है। और हमारे घर के नीचे भी जो खेत है वो भी पूरा बह गया है रोड तक। अभी जेसीबी वाले आए थे, उन्होंने साफ किया, फिर से मिट्टी और आ गई है रोड पे। तो एक बार ना मैं बाहर जाके दिखा देती हूँ, इतना खतरनाक मौसम हो रखा है ना आज, कुछ इस टाइप का मौसम हो रखा है, बहुत खतरनाक वाली बारिश आई है, चारों तरफ पानी पानी है और उस साइड को तो पूरा कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ पर हो रखा है ये खड़कीनी वालों का जो खेत थे ना, 5-6 खेत थे, सारे ना एक साथ ही बह गए हैं, और यहाँ पर से आ रखा है पानी अब, और उस साइड को भी बहने वाला है, क्योंकि ना यहाँ को भी पूरी मिट्टी गिर रही है। तो दगड़े सुबह से अभी जाके बारिश रुकी हुई है, शाम के 5 बजने वाले हैं कल से, और आज सुबह से अभी रुकी हुई है, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा होती है सुबह के टाइम से। और सभी लोग ना अभी घर से बाहर निकले हुए हैं, कहाँ कैसा हो रखा है करके, किसके खेत बह रखे हैं, किसकी दीवार टूट रखी है, किसके घर के अंदर तक पानी आ रखा है। तो एक बार मैंने बैक कैमरे से दिखा देती हूँ अभी का मौसम कैसा हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सही हो गया है, बादल वगैरह हल्के फुल्के लगे हुए हैं, लेकिन बारिश अच्छे से रुक चुकी है अभी। अभी का मौसम ना कुछ इस टाइप का हो गया है, हल्के फुल्के तो यहाँ पर बादल लगे हुए हैं। और मैं चाय लेके आई हूँ छत पर, तो सामने जो यहाँ पर था ना ये खड़कीनी वाला गाँव, यहाँ पर उधर रखा है, और ये मंदिर के नीचे साइड पे यहाँ पर गिर रखा है ये जो फ्रंट पे है, तो इसी साइड को ज़्यादा हो रखा है, बट अभी बारिश रुक गई है वही बड़ी बात है। और हमारे घर के नीचे भी हो रखा है, अभी मैं दिखा दूँ नीचे वाली छत पे जाके। अब गाइस अब मुझे ये पार करना है, क्योंकि मुझे जाना है नौला, सब जगह पानी पानी छा रखा है, सब जगह ना भयानक सीन हो रखा है। अभी तो मैं नौले में जा रही हूँ, देख के आ रही हूँ कि वहाँ पानी आ रखा है कि नहीं, लेकिन सब जगह रास्ते में पत्थर वगैरह गिर रखे हैं और मिट्टी वगैरह, सब जगह ना एक ही जैसा सीन हो रखा है। नौले के हाल बहुत ही ज़्यादा पानी आ रखा है, तो जाए वो फोटो खींचेंगे बढ़िया। अबे ये देखो फोन ना बिक जाएगा इधर गया, और बाकी तो मार चुका है आपदा, मतलब फोटो की तगड़ी आएगी, यादगार हो जाएगी, बैंकर सारे ये सभी बात वाली बात खींच रहे ना सर, मैं लेता हूं मजे लेने के लिए। वो देखो हमने देखे हैं वो लोग कैसे जाते हैं करके, और ये देखिए ये था, ये मंदिर को जाने वाला रास्ता है, बेइज्जती जाएगी जाने पड़ेगा। अबे पागल है क्या, वो देख रहे हो पूरा नहीं आ रहे नीचे, हम कैसे जाएंगे। देखो यात्री लोग जो फंसे हैं वो पैदल पैदल भी आ रहे हैं वो लोग।